तो आज मैं अपना खुद का सेटअप दिखाऊंगा आप सभी को कि मेरा स्टोर कैसा है और मैं कहां से वीडियो बनाता हूं, कहां पे कटिंग करता हूं और मेरा स्टोर दिखने में कैसा लगता है। तो चलिए मैं पूरा फुल दिखाऊंगा अपना सेटअप। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ पहले से ही वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं पूरा अपना सेटअप दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा प्रेसिंग या और पेस्टिंग की जगह है। मैं यहाँ कभी कभी बैठ जाता हूँ और पेस्टिंग प्रेस कर लेता हूँ। बहुत ही मस्त हमने जगह बनाए रखी है क्योंकि बैठ के हमसे उतना काम नहीं हो पाता फ्रेंड। और ये देखिए, ये शॉर्ट रखने वाली जगह है, हमने खुद से बनाया है। और ऊपर देखिए, ऊपर ही कोट और पैंट ये सब रखने की जगह है। और ये बैक साइड में देखिए, ये आपको हमेशा दिखने को मिलता है, ये खुद से ही अपने सेटअप जो है हमने तैयार किया है। और उसी के नीचे आ जाइए, ये देखिए मशीन है जिस पे मैं वर्क करता हूँ और आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, ये देखिए, ये मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे मोटर का ब्लॉक लगा हुआ है। और ये रहा मेरा इंटरलॉक मशीन। और ये रहा, ये जैसे कि अल्ट्रा वगैरह बनाने के लिए आती है तो इसे हम जो है यहाँ पे रख देते हैं या बनाकर या बनाने से पहले। और ये देखिए, छोटा मोटा जो है मेरा बॉक्स है अलमीरा, तो इसमें स्कूल ड्रेस का लेंथ रखा हुआ है शॉर्ट का। और मेन जो चीज़ है वो है कटिंग। तो ये देखिए, ये मेरी कटिंग की सेटअप है, काउंटर ये। और ऊपर से मैं फैब्रिक बिछा देता हूँ क्योंकि कटिंग करते समय जो है वीडियो बनाते समय चमकता नहीं है, अच्छी तरीके से दिखता है। और ये रहा स्कूल ड्रेस का पैंट का लेंथ। और इसमें जो है दो तीन लेंथ जो है कोट का है जो मुझे खुद का ऑर्डर मिल जाता है और हम बना देते हैं क्योंकि आजकल रेडीमेड का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अपना भी माइंड लगाओगे तभी जो है खुशहाल रह पाओगे इस लाइन से। तो मैं कैसे कैसे डेवलपमेंट किया और कैसे अपना माइंड यूज़ करता हूँ इस बिजनेस में, तो ये भी स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और डेली आपको एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा सेटअप कैसा रहा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं बता दूं कि मेरा मशीन कितनी है, तो चलिए हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट में जो है आगे दिख रहा है ये पीको की मशीन है, और ये स्विंग मशीन है वो इंटरलॉक मशीन है, और ये मेरा सेटअप मशीन है। और एक और मशीन नीचे रखा हुआ है जिसका पौधान जो है घर पर है। तो चलिए, ये सेटअप, ये हमारा जो है गिफ्ट मिला है तो ये हमने यहाँ रख दिया है क्योंकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो मेरा सेटअप कैसा लगा, और मैं बता दूं कि आगे की तरफ से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि रोड के किनारे ही मेरा सेटअप है, तो इसके लिए हमने ये पर्दा का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये पर्दा हमेशा लगा कर रखते हैं। और ये देखिए, यहाँ मटेरियल वगैरह रखते हैं। और ये मेरा स्विच बोर्ड हो गया जिसके नीचे मेरा बोर्ड पड़ा हुआ है, और नीचे भी बैठने के पेस्टिंग वगैरह करने के मन करती है तो मैंने उसका भी सेटअप लगा रखा है। ये देखिए, और वहाँ पे जहाँ प्लॉक लगा है वहाँ भी पावर प्लॉक है। तो वीडियो हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मेरा सेटअप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कटिंग एंड स्टिचिंग जो भी बताता हूँ बिल्कुल हिंदी में रहता है मेरा वीडियोज। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो। बाय।